वेलकम टू माय चैनल रोहित एक्स वाई जेड। आज हम देखेंगे वॉल्टाइल में जो ग्रूव होते हैं उसमें इपॉक्सी कैसे भरें। पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो फ्लोरिंग के बारे में था, तो बहुत से कमेंट आए थे कि सर जी वॉल्टाइल में कैसे भरते, इसका एक वीडियो बनाइए। तो आज हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए ग्रूव है जो 0.3 mm के है, तो ये ज़्यादा गहरे होने की वजह से इसमें हम पहले ब्लैक सीमेंट भरेंगे ताकि इसमें इपॉक्सी कम लगे। ऐसे ज़्यादा ग्राउट भरेंगे हम पूरे में तो ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम पहले इसमें ब्लैक सीमेंट भर के जो गुरु है उसको एक लेवल में भर करेंगे। अब ये सीमेंट लिया हुआ है हमने, इसमें पानी डाल के इसमें मिक्सिंग करेंगे। ब्लैक सीमेंट भरने से हमारा इपॉक्सी तो बच जाता है और इपॉक्सी दिखने के लिए भी अच्छा रखता है, और ऐसे कोई बात नहीं कि अगर हम ब्लैक सीमेंट भरेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी। खाली एक शुद्ध भी इपॉक्सी बैठ जाए तभी वो कभी नहीं निकलती। अभी देखिए इस तरह सा पेस्ट बनाए हमने और पूरा लेवल में भरेंगे इसमें। हम पूरे वीडियो में पत्रे का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्राउट प्लॉट है मेरे पास लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी के पास ये नहीं मिलता है, खाली सिटी लेवल में या बड़े शहरों में ये मिलता है ग्राउट लेवल एपॉक्सी, तो इसलिए हम पत्रे से सब बनाएंगे वीडियो और आपको दिखाएंगे। तो देखिए पूरा लेवल में भरा है। इस तरह से पूरे जो बाथरूम में सब ग्रूव में पहले ब्लैक सीमेंट भरेंगे। ये अभी फाइनल नहीं है, इसके ऊपर का जो ब्लैक सीमेंट है वो निकालेंगे हम, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इसको। अभी पूरी तरह से हमने पूरा जितने भी ग्रूव है उतने उसमें भर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो पत्रा है उसका कोने से या किसी भी और नोकीली चीज़ से ऊपर का एक सूत ब्लैक सीमेंट निकाल देंगे ताकि उसमें इपॉक्सी बैठ जाए। पत्रे से अच्छा निकलता है इसलिए हम पत्रा यूज़ करने वाले। देखिए ये पूरा अभी एक सूत तक अंदर तक चला गया है, इतने में इपॉक्सी बैठ जाता है, निकलता नहीं है। ये देखिए हमने पिछली बार रेड वॉप का भरा था, अभी रॉप का इपॉक्सी भरेंगे। तो चार बाथरूम है इसलिए हमने इसमें 3 किलो मंगवाया है। ये हमें लगभग 850 रुपये किलो में मिला है डस्ट के साथ। इसमें प्राइस ज़्यादा रहता है 955, या किसी दुकानदार कम देता है कोई ज़्यादा देता है। इसमें हार्डनर और एक दूसरा पार्ट भी है, ऐसा करके 2 बॉटल आते हैं, हैंड ग्लोव आता है और एक डस्ट आता है। हमने ब्राउन कलर मंगवाया था ताकि ब्लैक टाइलों में ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, उसमें हम ब्लैक भी भर देते तब भी अच्छा लगता है, लेकिन अब ब्राउन अच्छा दिखेगा इसलिए ब्राउन ही मंगवाए। ये देखिए ये स्पार्कल्स है, ये 500 रुपये की एक बोतल है। इसमें 100 ग्राम आता है, इसमें 4 बाथरूम आराम से हो जाएंगे। अभी ये डब्बा खुलने के बाद इसके अंदर देखेंगे हम, ये स्पंज है साफ करने के लिए और ये प्रॉप की एक पार्ट ए आता है बेस करके। और पार्ट बी ये आता है हार्डनर करके, तो इस दोनों को हमको मिलाना पड़ता है। एक बार ये टाइट हो गया तो पूरा पत्थर की तरह हो जाता है, बाद में ये एसिड से भी ख़राब नहीं होता है, पानी से भी ख़राब नहीं होता है, ये बहुत दिनों तक चलता है, लाइफ टाइम बोले तो भी ठीक है। अभी पहले हम बेस लेंगे इसमें, अगर ये 100 ml लेंगे तो इसमें से 50 ml लेना है, तो इसके हिसाब से पूरा डब्बा भी दोनों का डाल देंगे और ये मिक्स करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन इसको ज़्यादा बनाने से ये फिर जम जाता है,
15-20 मिनट में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके इसको भरना है। ज़्यादा बनाएंगे तो ये सूख जाएगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है भरने के लिए तो ज़्यादा बना सकते हैं, नहीं तो आपको कम ही मिक्स करके इसको बनाना है। अब इसमें हम वो डस्ट था ब्राउन कलर का, वो धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे डाल के इसको मिक्स करना है। इसको थोड़ा नॉर्मली पेस्ट की तरह बनाना है, क्योंकि भरते समय हमको आसानी हो, ज़्यादा हम गाढ़ा बनाएंगे तो भरते टाइम हमें तकलीफ़ हो सकती है। अब इसमें हम स्पार्कल मिलाएंगे, जो चकमक लाई थी हमने। इसको भी पूरी तरह से मिक्स करेंगे इपॉक्सी के अंदर। ये ऐसे तो चमकेगी नहीं, लेकिन बाद में हम इसे साफ़ करेंगे तो इसमें बहुत चमक आ जाएगी, जो हम लाइन छोड़े हैं बाथरूम के अंदर उस पर। ये देखिए हमने किस तरह से लिक्विड मिलाया है, और इस तरह से हमने पेस्ट बनाया है इसका पूरी तरह से। अभी हम भरने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। अभी वो सीमेंट सूख गया होगा, उसको कम से कम 4 से 5 घंटा हो चुका है। हम अभी पतरे से देखे ऐसे दबा के पूरा भरना है, और जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा वाला इपॉक्सी है वो उसको पतरे से फिर साफ करेंगे, ताकि इसको साफ करते समय ज़्यादा तकलीफ ना हो। पूरा दबा के भरना है, नहीं तो साफ करते समय ये निकल जाता है। एक बार ये सूख जाए तो बाद में नहीं निकलता, लेकिन साफ करते समय तब तो दबा के भरना चाहिए। इसका ग्राउट प्लॉट भी आता है, उससे भी भरेंगे तो भी अच्छा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो हम अभी पतरे से दिखाने वाले हैं। अभी हमने इसमें पानी लिया है और एक स्पंज लिया है, इसको सिर्फ धीरे धीरे हाथों से उसके ऊपर राउंड राउंड करके घुमाएंगे, ताकि ये लेवल में बैठ जाए, और एक्स्ट्रा वाला जो इपॉक्सी लगा है टाइलों के ऊपर वो पूरी तरह से निकल जाए। पहुँचते समय ये ध्यान रखना है कि जो लाइन है वो पूरी तरह से स्मूथ में बैठ बैठ जाए। उसको राउंड में घुमाने से उसका फिनिशिंग अच्छा आता है, और इपॉक्सी निकलती भी नहीं है। या भी आपको वीडियो में अच्छी नहीं दिख रही होगी या क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन बाद में इसको हम जूम करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा ये चमक रही है या नहीं। ये देखिए अभी पूरी तरह से ऐसी चमक रही है। फिर भी इस पे एक्स्ट्रा जो इपॉक्सी दिख रहा है आपको, इसको भी हम तरीका बताएंगे एक, जिससे ये पूरी तरह से निकल जाएगा। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम और एक बार थोड़ा सा पानी में एसिड मिक्स करके, मतलब 2-3 लीटर पानी में आधा लीटर एसिड मिक्स करके स्पंज से ऐसे राउंड में घुमाएंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाला चम्मक और जो एक्स्ट्रा वाला एपॉक्सी का दाग धब्बे हैं वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। पूरा जॉइंट पे इजी हाथों से साफ़ करना है। इसको हम 15 मिनट के बाद ही साफ़ कर रहे हैं एसिड से, फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए ये पानी के दाग धब्बे, इसको भी हम उतारेंगे उसी के पानी से मदद से। अभी देखिए हमने नॉर्मल फ्लो में पानी ऐसा डायरेक्टली छोड़ दिया उसके ऊपर, ताकि वो जो हमने साफ किया था वो निकल जाए। डायरेक्ट पानी मार रहे फिर भी निकल नहीं रहा है, देखिए मतलब ये 10-15 मिनट या 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पूरा टाइट हो जाता है रॉप वाला। बाकी दूसरी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा सूखने में 8-10 घंटा जाता है, लेकिन एक कंपनी का जल्दी सूख जाता है। सभी का प्रोसेस सेम ही रहता है, कौन सा भी ग्राउंड भरिए आप,
सभी में हार्डनर बेस है, बेस भी और जो डस्ट है वही आता है, या तो फिर खाली दो डब्बे आते हैं उसको मिक्स करके भरना होता है। ये देखिए अभी ये चमक रहा है। हमने चार बाथरूम एक साथ ही भरे, अभी ये अलग बाथरूम है। सबसे पहले वीडियो बनाया था उसमें ब्राउन बाथरूम था, ये अभी वाइट टाइल है। अभी देखिए हमने नीचे का साफ करके उसमें वाइट सीमेंट भर दिए और जो लाइन थे उसको भी पूरा तरह से साफ करके अभी देख रहे हैं। ये देखिए अभी दिखने के लिए एकदम मस्त लुक आया है। इसका वैलिडिटी आप लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं इसको, कि जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। जब तक ये खराब होगा फिर इसको नरमे के पानी से साफ करेंगे तब भी नए जैसा चमक जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।